नमस्कार, भारत किचन में आपका स्वागत है। आज हम डोरा केक्स की रेसिपी लेकर आए हैं। डोरा केक्स हम मैंगो फ्लेवर में बनाकर तैयार करेंगे। डोरा केक्स डोरेमोन के फेवरेट हैं और बच्चों का फेवरेट है डोरेमोन, तो ये केक्स जो हैं सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आप रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। मैंगो डोरा केक्स बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले हम ये आधा कप दही डालेंगे। दही जो है हमने नॉर्मल मीठी दही ली है। अब हम इसमें चौथाई कप तेल डाल रहे हैं, 2 बड़े चम्मच ये तेल है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैंगो का पल्प। आम को हमने पीस कर तैयार कर लिया है और उसी कप से नापा है जिससे बाकी चीज़ों को नापा है। इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, इसकी जगह आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलने तक मिला लेते हैं। एक बिस्कर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। 2 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान रखेंगे कि हमें इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना। 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब हम इसमें मैदा डाल देते हैं। 1 कप हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। मैदा को अच्छे से मिलने तक मिलाएंगे और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक इसे बढ़िया करके फेटेंगे। फेटने से जो हमारे डोरा केक्स हैं बहुत ज़्यादा फूले फूले बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, मैदा को हमने फेट कर तैयार कर लिया है। इसको ढककर रख देते हैं। पूरे 25 मिनट तक हमें इसे ढककर रखेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, मैदा को चेक कर लेते हैं। मैदा जो है फूल कर तैयार हो चुकी होगी। ये देखिए, बढ़िया जो है यहाँ पर फूल कर तैयार हो चुकी है मैदा। इसको चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा पतली या फिर ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की ये देखिए मैदा यहाँ पर घुल कर तैयार हुई है। बैटर हमारा बिल्कुल डोरा केक्स बनाने के लिए तैयार है। तो इस तरह का कोई भी स्पून ले लेंगे और उससे एक तवे पर हम इसे बनाएंगे। तवे पर बनाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक कपड़े से तवे को पोंछ देंगे, जिससे कि तवा जो है सब तरफ से बराबर से गर्म हो जाएगा। और 1 चम्मच में थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से लेकर बराबर बराबर डोरा केक्स बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इसमें बना देते हैं। गैस को हमने बिल्कुल सिंपर कर रखा है, जिससे कि हमारे डोरा केक्स जो हैं एकदम से जले ना। तो जितने डोरा केक्स एक बार में तवे पर आ जाएंगे उतने हम इस पर डाल देते हैं। इस तरह से फैलाने के बाद में हमें डोरा केक्स को पूरे 2 मिनट तक सिम गैस पर पकाना है, या फिर हम इसे कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसको ढक देते हैं और पकने देंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। डोरा केक्स को पलटकर चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें चेक कर लेते हैं। बढ़िया डोरा केक्स का कलर आ चुका है यहाँ पर। सभी डोरा केक्स को पलटकर हम 1 मिनट तक और पकने देंगे। ये देखिए, डोरा केक्स को हमने दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब ये जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से ये देखिए, बढ़िया डोरा केक्स यहाँ पर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनके लिए हम फिलिंग बनाएंगे। हम इनके लिए मैंगो की फिलिंग बना रहे हैं। तो 1/2 कप मैंगो का पल्प लिया है, इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है। इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ा ही हमें इसे पकाना है। आम हम सभी के फेवरेट होते हैं और आम से बनी हुई रेसिपीज हम सभी को बहुत पसंद आती हैं। बच्चों को ये विशेषकर बहुत पसंद होती हैं। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा क्रंच फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें चेरीज डाल रहे हैं। चेरीज के साथ भी इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और इसको पकाने के बाद ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया जो है यहाँ पर हमने ये फिलिंग बनाकर तैयार कर ली है और ये ठंडी भी होकर तैयार हो गई है। तो इसको जो है हम डोरा केक्स में लगा देंगे इस तरह से, और हम देखेंगे कि जो डोरा केक्स हैं उनका एक ही शेप होना चाहिए, तो दोनों बनकर बढ़िया से तैयार होंगे। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर ये लग रहे हैं। तो इसी तरह से सभी डोरा केक्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।